tell you everything I've seen, the friends I've made, and then you tell me how you've been. Look a little closer, it's been quite some time. Hey guys, good morning and welcome back to our channel Khyati and Anuj. अभी बजे हैं सुबह के 6:30 and आज हम लोग जा रहे हैं न्यू ट्रिप पे एंड आज है छोटी सी हमारी पहल का बर्थडे, 7th मंथ बर्थडे एंड उसके 7th मंथ बर्थडे पे वो 5th ट्रिप पे जा रही हैं अपनी और हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो हम थोड़ा सा आगे जाके बताते हैं. Let's begin the journey. If I'm out of line, but there's some words that I just wanna say to put it all straight before this night turns into day, and then I'm on my way. Yes, I'm on my way. ये है असली vlogger. देखो, एक साथ दो दो काम और एक हाथ और दो हाथ होते तो और दो चार चीजें कर लो. You know I played for love, but it got me on my knees. Now's the time to reap what I've sown. Your words echoing in every single bone. Underwater, so far out at sea. There's no cure for what you're telling me. And soon I'm on my way. So right now we are stopped at highway Taba. यहाँ पे गुजरात के साइड जा रहे हैं. अभी हम लोग घर से निकले, ऑलमोस्ट 2.5 hours हो गए. ब्रेकफास्ट वगैरह किया एंड बस अभी हम लोग जा रहे हैं आगे. ये हमारा फर्स्ट टाइम नेक्सॉन के साथ में इतना लॉन्ग ट्रिप है, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग नेक्सॉन का ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है एंड एवरेज वगैरह कैसे मिलता है तो वो भी एक छोटा सा इसमें डिस्कस करेंगे. तो गाड़ी जो है अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी हम लोग को सिर्फ ओनली 4 months हुआ है. तो और गाड़ी जब ड्राइव करेंगे तब भी इसका और एवरेज के बारे में वगैरह और आइडिया आएगा. ओवरऑल गाड़ी कब बहुत कंफर्टेबल थी, सिर्फ मेरे लिए नहीं जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे और स्पेशली पहल के लिए उसको भी उसकी फुल स्पेस मिल रही थी खेलने के लिए. एंड जो पीछे बूट स्पेस है, बूट स्पेस भी काफ़ी बड़ा है तो आपका बहुत सारा सामान अंदर रह जाता है. एंड आगे गाड़ी में लेग स्पेस भी बहुत अच्छा है तो आप सब कम्फर्टेबली बैठ के जर्नी कर सकते हैं. Vitamins and history books, psychology and a different way to look at it all. अभी ऑलमोस्ट 3 hours का जर्नी और बाकी है और अभी हम लोग ने एक छोटा सा ब्रेक लिया है कि जिसमें आइसक्रीम एंड मिल्कशेक हम लोग ट्राई करेंगे एंड फिर आगे का जर्नी कंटिन्यू करेंगे. रोड ट्रिप का यही बेनिफिट है कि आप रास्ते पे जाते जाते कहाँ पे भी रुक सकते हो और आप आराम से मज़े लेके जर्नी कर सकते हो. ओवरऑल मुझे ये गाड़ी में 16-17 की एवरेज मिली एसी चला के, तो विच वॉज वेरी गुड. टू एंड फ्रो का टोल कॉस्टिंग मुझे 580 rupees का आया. जस्ट अभी हम लोग ने कुछ महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस किया एंड गुजरात में एंट्री किया और 4.5 hours का रास्ता बाकी है अभी हमारा. एंड रोड्स आर प्रीटी गुड, ड्राइव करने के लिए बहुत मज़ा आ रहा है. तो अगर आप कभी भी अगर गुजरात साइड में ट्रैवल प्लान कर रहे हो, रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो आप बिंदास रहिए, वहाँ पर रोड्स अच्छे होते हैं. और एक बात की हमारे नेक्सॉन की फर्स्ट इतनी लॉन्ग ड्राइव है. इसके पहले हम लोग गए मुंबई के आसपास के 3-4 hours के ड्राइव पे, बट ये 8 hours का वन शॉट ड्राइव हमारा ये फर्स्ट टाइम है नेक्सॉन का भी और हमारा भी, तो अच्छा लग रहा है.
जर्नी को एंजॉय करते हुए एंड रास्तों की ब्यूटी को एक्सपीरियंस करने में ही रोड ट्रिप का असली मजा है। ऑन रोड आपको आते और जाते दोनों टाइम में फूड के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे एंड मैकेनिक वगैरह का भी ऑप्शंस बहुत सारे आपको देखने मिलेंगे, तो कहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। So while मुंबई टू गुजरात जाते वक्त आप गुजरात का ऑथेंटिक फूड जो कि है काठियावाड़ी वो ट्राई कर सकते हैं। ऑन द वे आपको बहुत सारे ऐसे ढाबे दिखेंगे, तो अगर स्पाइसी तीखा खाना है तो ये ज़रूर ट्राई करें। ये बेस्ट चीज़ होगा ट्राई करने के लिए अगर आप मुंबई टू गुजरात जा रहे हैं। Now we are just 40 kilometers away from our destination. हम लोग 30 मिनट्स में पहुंच जाएंगे, पर बीच बीच में हम ऐसे पिट स्टॉप्स लेते लेते जा रहे हैं। छोटा सा ऐसे ही बीच में स्ट्रीम देखा तो जरा सा रुक गए एंड अब आगे वापस पहुंच रहे हैं। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि नेक्सॉन चला के मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी जर्नी बहुत कंफर्टेबल रही। ऑन एंड ऑल हमारी टोटल जर्नी 900 किलोमीटर्स के ऊपर हुई और उसके अंदर मुझे अप्रॉक्स 6000 का पेट्रोल लगा। गुजरात में पेट्रोल के रेट्स कम है कंपेरेटिवली महाराष्ट्र से, तो वहाँ पे भी आपका थोड़ा सेव हो जाता है। मुंबई से 9 आवर्स की जर्नी के बाद हम पहुंचे केवड़िया एकता नगर, जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए मेन डेस्टिनेशन है। आज हम लोग आज शाम को यहां पे पहुंचे और हम हमारे स्टे पे थोड़ा सा रिलैक्स करके अभी हम लोग यहां का जो आसपास का एरिया है, जो स्पेशली एकता नगर का एरिया है, एकता नगर स्टेशन है और फिर आसपास में जो सब पूरा बना है वो देखने निकले। सो यहाँ हमारी मुंबई टू केवड़िया की ब्यूटीफुल जर्नी वाला व्लॉग खत्म होता है। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग वेयर वी विल बी शेयरिंग बजट स्टे ऑप्शन इन केवड़िया एंड बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें। टिल देन स्टे ट्यून एंड हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ यू हैवंट येट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।